Yo baby yo, welcome to the PollBaazi show. बैठा है तू फर्स्ट रो में, चल कोई ना, बैठे बैठे यहाँ मार सकता है तू गोल. रानी सा है मेरा नाम, नाम में ना कोई झोल. आजा बेबी जितवा दूँ तुझे आज का PollBaazi शो. इट्स अ गर्ल रानी सा. प प प PollBaazi लेकर के आ गई हूँ मैं. आ आ आ आ होंगे पांच सवाल, देगा तू जवाब. तू ना कर शोर, कर केवल पोल, जनता का होगा हल्ला बोल. 5000 में से जीतेगा तू अपना मोल. रानी सा है कहना इतना ही बोल. अब बताया तो था पिछली बारी भी कि ऑप्शन तेरे को सही से लगता है ना, जो वो सिलेक्ट कर लियो. आज ठीक बोला ना प्रोड्यूसर, यही है ना, सी सी सिलेक्ट कर लियो. अरे कहाँ चले जा रहे हो, जनता ने जो बोला है ना वही पत्थर की लकीर होगी. पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोला है, समझ लिए ना. अब रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है यार, टोका मत करा करना. क्या है रिपीट, ऐसे नहीं बोल रही, रिपीट बोल रहा है. हाँ, मन की करती है रानी सा. चालू करे फिर आज है, कर ले PollBaazi आज के चालू. शटरप. चलो ठीक है, पहला सवाल पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए. आपके हिसाब से 2019 में क्या हो सकता है, मतलब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लेगी, बीजेपी जिन्हें जीतेगी इलेक्शन, या इमरान खान की होगी चौथी शादी. उसने चिल्लाया या इंडिया इंडिया, मैंने कहा जीतेगी जीतेगी. कुछ और ना कहियो वरना तू मुझसे पिटेगी पिटेगी. मुझे ना कॉलेज में एक लड़की बोली कि तू लड़का थोड़ा है जो क्रिकेट देख रही है. मैंने उससे बोला बहन तू तीन चार लड़कों को ना तो चुल मच जाती है, बिजी रहती हूँ यार, समझ लेना थोड़ा. अभी क्या करेगी, अभी कुछ मत समझ, जवाब सुन ले मेरी तरफ से. अरे अरे लोग बोल रहे हैं, मतलब जनता बोल रही है कि बीजेपी जीत जाएगी चुनाव. 6200 कुछ लोगों ने बोला है कि बीजेपी जीतेगी आज का चुनाव. हाँ आज का नहीं, मतलब 2019 में चुनाव जीत लेगी वो. आपने भी बोला था क्या ये, तो बढ़िया है. अगर ये बोल दिया है तो फिर चलोगे मेरे साथ आगे. देखो भैया, रानी सा रहती है रेडी हर चीज के लिए. हाँ दूसरा सवाल भी तैयार है मेरे पास, एकदम पढ़ दूँ क्या फिर, हैं रेडी हो आप? चलो ठीक है, आप कह रहे तो सुन लेती हूँ ना मैं. ये रहा दूसरा सवाल, आपको किसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आएगी, एलियंस, द ग्रेट खली या शशि थरूर. खली की तो ना फैन है रानी सा, मतलब WWE में जॉन सीना और खली मेरे फेव्स हैं. यो क्या है, फेव्स फेव्स बोल रही है बोलने को प्रोड्यूसर. ग्रेट खली तू तो महान है, इंडिया की शान तेरे डोलों में जान है, रिंग में मचाता तू बवाल, तेरा एक घूसा देता है बॉक्सर के गाल. अब देखना यूं आओ या ताओ, जिद करके आओ और आके शोर मचाओ, म्याओ म्याओ भाव भाव. मुझे लगा कि ये सही लग रहा है, अभी ऐड कर लेती हूँ ये एकदम अभी अभी किया है ये म्याओ म्याओ भाव भाव. हाँ बना लेती हूँ, ऐसे रैप में बना लेती हूँ. और जब मैं प्यार में पड़ जाती हूँ ना तो लिखती जरूर हूँ, खुले में बता दिया मैंने. मगर मेरे को लाइक ना शशि थरूर की भाषा समझ में नहीं आती, मगर जनता का तो कुछ और ही मानना है. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक दूसरे की बात से नहीं सहमत है. जनता कहती है एलियंस, एलियंस की भाषा इनको समझ में नहीं आएगी. कौन से गोला से आए हो, हाँ कहाँ एलियंस से कहाँ मिलोगे, हैं कहीं ना मिल पाओगे. देखो मेरी मानते तो शशि थरूर को करते, मगर जो जनता बोलती है यहाँ तो होता ही वो है. अब ये जो 3350 लोग हैं, 52 कितना है, 52 बोल रही प्रोड्यूसर, 52 लोग तीसरे चले सवाल पे चलेंगे. बोल दूँ पढ़ दूँ फिर, चलो ये रहा तीसरा सवाल रानी सा की आवाज में. अब काम में तरक्की पाने के लिए क्या जरूरी होता है, मेहनत करने का नाटक करना, बॉस के जोक्स पे हंसना, या सच में मेहनत करना. यार ये हंसी को रोक देती, क्या है जोक्स है, जोक्स बोल रही है बोलने को. देखो मेहनत करना ना 100% सत्य वचन है ये. सुबह 7 उठ के दीदी गटगट करके तो पहले पानी पीती है, फिर बीट बॉक्सिंग का रियाज करती है. इतना ही तो दिखाऊंगी, बाकी तो सुबह रियाज भी करूंगी ना आपको, और क्यों दिखाऊंगी आपको. हा? और उसके बाद गाने का रियाज करती है. अब देखो सरगम ना शुरू करके एकदम यो यो हनी सिंह के गाने पे खत्म करती हूँ. हाँ मतलब बादशाह भी है वो, याद दिला रहा है मेरे को वो एक 47 वेट कुड़ी था, फिर उसके बाद इससे कहते हैं हिप हॉप और वखरा स्वैग भी. तो और मर्सी सॉन्ग सुना है ना बादशाह का, उसमें डांस करने के लिए दीदी को बुलाया था पता है, बट दीदी के ना पैर में उस वक्त मोच आ रखी थी तो मना करना पड़ा था. तू मेहनत कर दबा कर, फल मिलेगा तेरे को बराबर. क्या बोलती है जनता, जनता भी यही बोलती है.
रानी सा के साथ ही है जनता, क्या कमाल की बात है। मतलब मेहनत करो तभी अच्छा फल मिलेगा, तभी प्रमोशन मिल पाएगा काम में। देखो हम दोनों का कनेक्शन, मतलब आपका और मेरे दिल का कनेक्शन एकदम ठाए है। हाँ भाई चले आगे, जनता ने जवाब दे दिया, 2000 से ज्यादा लोग दे बैठे हैं सही जवाब, एक्चुअली मेजोरिटी वो दे चुकी है जवाब। चौथे सवाल पे पहुंच चुके हैं अब हम, पांच ही सवाल होते हैं वैसे इसमें। हाँ हाँ पढ़ देती हूँ चौथा सवाल, ये लो आपके फोन पे। अब बताओ कि भारत में कौन सा अंधविश्वास सबसे माना जाता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई भी डिग्री के बाद MBA, या मंगल को कोई नॉनवेज नहीं खाने का। 10th में कहा था कि टेंशन ना लेना बच्चे, अभी तो तुम हो अकल के कच्चे, लेट मी डिसाइड योर फ्यूचर फॉर नाउ। फिर 11वीं के बाद पूछना पड़ा अब कहां मैं जाऊं, लेक्चर दे के ताऊ ने कहा ऑनर्स कर लो, मैंने पीसे दांत किया उन्हें शू, फिर क्या था ड्रॉप आउट कर लिया कॉलेज से, और अब मैं क्या करती हूँ खुशी से ना आउट करती हूँ। वही मैं बोलती हूँ रानी सा के जो मन में होती है ना रानी सा वही करती है, और जनता के जो मन की है ना वो मैं बताऊंगी अभी तेरे को। जनता ने बोला है कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि अगर बिल्ली ने काट दिया है ना रास्ता तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया, तुम्हारा दिन का कुछ ना हो पाई। 1700 से ज्यादा लोग बोल चुके हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो तुम गए, नहीं हो पाएगा। ठीक है अभी जो 1737 लोग हैं ये कहाँ चले गए, पांचवे सवाल पे पहुंच गए हो तुम लोग, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया खेल करके चलो। पांचवा सवाल भी पढ़ लिया जाए आप लोगों के लिए, ये रहा, लोग वजन घटाने के लिए क्या क्या करते हैं, जिम में भर्ती हो लेते हैं, डाइट पे चले जाते हैं, या बस मतलब बातें करते रहते हैं। हाँ क्या करते हैं बताओ, डाइटिंग शाइटिंग विल ना कर, डाइटिंग शाइटिंग विल ना कर, मेरी बात सुन ले तू कान खोल कर, कान खोल कर, घीसी खा डरना यू फील करेगा एकदम फुल, रानी सा है कहती यो खा ले मन में जब भी हो। मैं नहीं बिलीव करती इसमें, बस एक च्युइंगम चाहिए होती मुझे जो मैं चबा रही हूँ, बट प्रोड्यूसर वहां से कब से कान खाने में लगी मेरे, फेंक दे फेंक दे। अरे रानी सा का मानना मान ले यार, ये वो बोल करके तो मेरा काम चल जाता है, मगर ना भूखे पेट मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखो क्या कहती है जनता, हमारी जनता कहती है कि लोग जाते हैं डाइट पे, 770 लोगों ने बोल दी है ये बात क्या डाइट पे जाकर के वजन घटाओगे, चलो घटा लो, मेरा तो मानना है कि जो मन में हो ना वो ही खाओ, खुश ऐसे ही रहते हो बस। हाँ दिल का रास्ता ना पेट से होके जाता है मम्मी बोलती है घर पे, बट कितने लोग जीत गए ये 770 लोगों को मेरी तरफ से हाई फाइव, और जो नहीं जीता ना कम ऑन यार हैव अ लाइफ। चलो फुलझड़ियां फुलझड़ियां कुछ जला दो इनके लिए। देख सोशल मीडिया पे ना रानी सा मिल जाएगी तेरे को, हाँ बट अगर तू चाहता है कि तू यहाँ पे रानी सा की जगह पे खड़े हो, तेरी फोटो आए, तू मेरी फोटो बना के भेजे, तो ऐसी बोल रही प्रोड्यूसर की बाजी ना हो, दो ए लगाइयो बाजी में, BAAZI, हाँ तो उससे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कर दियो टैग, और फिर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना यहीं पर आ जाएगा तू। चल बता दूँ कि कौन कौन जीता है, कुछ कुछ नाम दिख रहे हैं मेरे को, कोई है महक गुप्ता, एक आनंद है, एक राघव है, एक पता नहीं कौन है इसका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, एक सत्यम है, कोई लक्की भावर चौहा साई कोहली, बस इतने बहुत है यार, बहुत लंबे बहुत सारे नाम है अब नहीं पढ़ पाऊंगी। चलो चल मुबारक हो यार, बड़ी खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए, बट अगर अरे सुन ले कोई बात नहीं, मुझको प्रोड्यूसर ने बोला था कि कुल मिलाकर 10 मिनट है मेरे पास, अब मैंने गेम खिलाया तेरे हाथ कुछ लगा नहीं, तो तू ऐसे कर तू 4:30 बजे दोबारा आ जाइयो, कहाँ पे यहीं पे बाजी नाव ऐप पर आ जाइयो तू एकदम से, तो तू बिंगोबाजी खेलेगा फिर। सुन तो रात को 8:30 बजे के लिए तो मैं जबर एक्साइटेड हूँ, पूछ क्यों, क्योंकि सुनंदा शर्मा आ रही है आज, बड़ी पसंद है यार मुझे, बहुत फेवरेट है मेरी, गाती कितना कमाल है ना, दीदी भी रियाज कर रही है उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही है, और अभी तो खैर तू मिनी खेल गया पोलबाजी, बट रात को विधि होगी यहाँ पे बोल रहे हैं बोलने के लिए, विधि होगी विधि के साथ कौन होगा वो नहीं मेरे को बता रहे, बट वो पोलबाजी तो खेलने आई हो, और फिर कल दोबारा से 1 बजे खेल लियो ब्रेनबाजी मिनी है, सॉर्टेड है। अब मैंने शटर तो अप कर लिया था, अब डाउन करने का टाइम आ गया है ना, तो शटर डाउन, अब मेरी तरफ से फिस्ट बम भी ले लो, अब यू कैन सी मी मच टाइम इज नाउ, सी यू, पीस आउट माय होमीज़।